हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना लैपटॉप दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने ऑनलाइन सारे काम करता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपना वीडियो एडिटिंग भी इसी में करता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एचपी का लैपटॉप है जिसे मैं आप लोगों को दिखाया जाता था। यह एचपी का लैपटॉप है। मैं आपको इस लैपटॉप को ओपन करके पूरा अच्छा तरीके से अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा हेडफोन का, यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग का। ये आपको यूएसबी केबल यहाँ पे लगाने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्विच वगैरह लगाने को मिल जाएगा। ये सीडी वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ जहाँ से आप सीडी भी लगा सकते हैं इस लैपटॉप में। अगर आप सीडी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीडी भी लगा सकते हैं। तो सीडी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स लैपटॉप को ओपन करते हैं और आपको पूरी तरीके से अच्छे से दिखाते हैं। लैपटॉप के हमने ओपन कर दिया है। सबसे पहले इसको यहाँ पे स्विच दिया हुआ है ओपन का। चलिए यहाँ से हम लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लैपटॉप को ओपन कर दिया है। यहाँ पे वाईफाई का एक आपको मिलेगा, ये ब्राउजर का है। यहाँ पे वॉइस का ये फ्रेंड्स बटन मिलने वाला है। ये सारे की हैं इसके। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे i7 लोगो लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वैसे ही लगा रखा है विंडोज 7। ये विंडोज 10 है। देखिए फ्रेंड्स, लैपटॉप पूरी तरह से ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अबाउट सेक्शन में ले चल के आपको इसका मैं रैम प्रोसेसर सारे कुछ दिखाता हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे विंडोज 10 इंस्टॉल है इसमें। विंडोज 10 प्रो है फ्रेंड्स, वर्जन न्यू है। यहाँ पे 15111 है। इसके बाद यहाँ पे आपकी इसका देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो है कोर i7। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई की प्रेस हो गई जिसके कारण यह। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले i7, यहाँ पे 3rd जनरेशन 5520M है CPU। आप इसको देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे फ्रेंड्स 8 GB रैम है, 64 बिट का बनाया हमने, 64 बिट का। यहाँ पे 500 GB इसका हार्ड डिस्क है फ्रेंड्स, 500 GB का हार्ड डिस्क है। इस लैपटॉप काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बहुत ही बढ़िया चलता है फ्रेंड्स। इस लैपटॉप को मैंने मार्च में 8 मार्च को ख़रीदा था, 8 मार्च को। तब से फ्रेंड्स यह लैपटॉप काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, i7 लैपटॉप इसमें वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने i7 लिया। i7 काफ़ी अच्छा होता है। यह है कि इसका रेट जो है काफ़ी महंगा, काफ़ी ज़्यादा होता है। i7 का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बस यह है कि काम का बहुत ही बढ़िया करता है फ्रेंड्स i7, इसलिए मैंने i7 लिया। फ्रेंड्स, मेरे पास all-in-1 PC भी है, मैं उस पर भी वर्क करता हूँ। ज़्यादातर मैं इसी पे वर्क करता हूँ क्योंकि यह काफ़ी अच्छा करता है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं इसी पे ही वर्क करता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यह एक छोटा सा वीडियो था जिसे मैं आपको अपने लैपटॉप के बारे में दिखाना चाहता था। तो आशा करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे जिसमें मैं अपना वर्क करता हूँ या लैपटॉप के, इस लैपटॉप को। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।